दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हैं और कतर की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप को पूरा देखिए। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की जो कतर की सबसे अच्छी अपडेट दो आ रही दोस्तों, वो आ रही मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है उनके तरफ से आ रही है। तो दोस्तों, 3 से 4 अपडेट है, तो सारे अपडेट को मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो पहले दोस्तों, वहाँ से जो अपडेट आ रही है वो अपडेट ये आ रही है कि यदि आप कतर में आप रह रहे हैं, यदि आप वहाँ पर वर्कर है, लेबर है, तो यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही, यदि आप कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही या फिर खाने का दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, जैसे किसी भी टाइप का दिक्कत दोस्तों, यदि आपके पास पैसे नहीं है, तो दोस्तों वहां पे एक नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है। और तो नंबर मैं आपको बताता हूं, तो दोस्तों वो नंबर है 9272727। दोस्तों फिर सुन लीजिए, 9272727 पे आपको मैसेज करना है। आपको मैसेज, या आपको जिस तरह मैसेज करते हैं वैसे मैसेज करना है। और आपको वहाँ पे वीज़ा नंबर या फिर अपना सिविल आईडी जो है वो आपको डाल के वहाँ कर देना है। वो दोस्तों आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट करेगा, आपको डिटेल निकाल कर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और जिस भाषा जानते हैं दोस्तों उसी भाषा में आपसे बात किया जाएगा। दोस्तों यदि आपको कोई परेशानी है तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके उनसे आप बात कर सकते हैं। दूसरी वहाँ से जो अपडेट जो ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा है कि अभी जितने भी वहाँ पे एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज है वो सारा भी बंद है महामारी कारण। दोस्तों सारे एक्सचेंज को बंद कर दिया गया। यदि फिर अपने परिवार को आप पैसा भेजना चाहते हैं या फिर कोई भी काम है दोस्तों, तो आपको इस सर्विस का भी यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा। और इसकी डिटेल और जो भी आती है उसको मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों यदि आप पैसा भेजना चाहते हैं तो इस सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी वहाँ से दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तरफ से अपडेट ये आ रही है कि यदि आप वहाँ पर बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तरफ से बोला गया है कि ये जो भी वर्कर अभी जो अर्जेंट में काम कर रहे हैं तो उन लोगों को अभी कुछ दूरी बना के ही काम करना है। पर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा मुमकिन है नहीं, जितने लेबर हैं वहाँ पे मिलना जुलना तो होगा ही। तो दोस्तों उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक पॉलिसी बनाने का प्लान किया है। तो पॉलिसी जैसे ही बन जाएगा तो उसके हिसाब से वहाँ पे काम किया जाएगा और उसके हिसाब से वहाँ लेबर वर्कर को वहाँ पे काम दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 3 अपडेट थी जो कतर की तरफ से आ रही थी। तो आपको कौन सी अपडेट अच्छी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताया। यदि आप कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, यदि मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई देने का। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद है। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो मिलते साथी उसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के लेकर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।